Hello everyone, good evening and a very warm welcome to Unacademy Let's Crack Defense Examinations. How are you all? Kaise hain aap log? Kaisi chal rahi hai aapki preparations? And how are you feeling today? Kaisa ja raha hai aapka din? Please let me know in the comment section. I'm glad to hear about each and everything about you guys. सबसे पहले अपना रिचुअल पूरा कर देते हैं ऑफ लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हम लोग को ज्वाइन कर सके इस लाइव सेशन में. ओके, सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. हेलो एवरीवन, आई एम गार्गी मित्रा. आई हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फॉर मोर देन 3 ईयर्स नाउ. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड करेंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. आप प्लीज इस कोड का इस्तेमाल करिएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने में. रेफरल कोड का एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है जब आप इस कोड को अप्लाई करते हो. कोड है गार्गी, GARGEE. इस कोड को आपको इस छोटे से बॉक्स में अप्लाई करना होता है, गिफ्ट बना होता है इस बॉक्स में. अब आप अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको 10% का ऑफ अप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो प्लीज इसी कोड का इस्तेमाल करिएगा. आई रिक्वेस्ट यू ऑल. एंड एज वी डिस्कस, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर LTMT सीरीज ऑन प्रेपोजिशंस, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशंस, दैट इज NDA, Air Force, XNY, Navy. और तो और जो फेब्रवरी में भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं CDS और AFCAT के. ठीक है, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें भी इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट यूज होता है उन सभी एग्जामिनेशंस में दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एन एसेंशियल पार्ट. All right, a brief introduction about Unacademy. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning process, learning journey. It also conducts these special classes which are totally for free. Free में देखने के लिए code लाना पड़ता है जिससे आपकी free classes unlock हो जाती है, जो कि code है गार्गी, GARGEE. इस code को use करिए और special classes free में देखिए. All right. उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है विच आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी, लर्निंग प्रोसेस. आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और सिलेबस दिया जाता है ताकि आपकी पूरी थरो प्रिपरेशन हो पाए. ठीक है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, आपके हिसाब से स्केड्यूल डिसाइड किया जाता है. लैंग्वेज आपके पसंद की होती है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस. जितना चाहे उतना रीटेक करिए क्विजेस को, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम. दैट्स व्हाट वी प्रीच ऑन, राइट. यू कैन आस्क द एजुकेटर, यू कैन चैट विद द एजुकेटर. अपनी क्वेरीज आप 1-to-1 सॉल्व आउट कर सकते हो उनसे. इंटरेक्टिव पोल्स मेक्स द सेशन इवन मोर इंटरेस्टिंग. नो मैटर वेयर यू आर, यू कैन एक्सेस द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑन योर स्मार्टफोन एंड योर लैपटॉप. ऑल राइट, सो प्लीज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा. ये आपका एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे और एप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है. ओके, सो विदाउट मच अडू लेट्स जम्प डायरेक्टली इन टू द मॉक टेस्ट राइट नाउ. ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, उसमें ब्लैंक होगा, आपको उसमें सही प्रपोजिशन भर के मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि सही प्रपोजिशन क्या होगा उसमें आएगा. चलिए, पहला आपका क्वेश्चन आता है दैट बॉय इज फाउंड गिल्टी - थेफ्ट. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, दैट बॉय इज फाउंड गिल्टी - थेफ्ट. सही आंसर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सही आंसर क्या होगा इसका, ऑफ. दैट बॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यू शुड टेक केयर - योर हेल्थ. यू शुड टेक केयर - योर हेल्थ, इसमें कौन सा सही प्रपोजिशन यूज होएगा, ऑफ, इनटू, विद, टू, क्या चीज सही प्रपोजिशन यूज होगा इस पर्टिकुलर ब्लैंक में. यू शुड टेक केयर - योर हेल्थ. इस ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन फिट होता है. करेक्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.
फिर से हमारा ए ऑप्शन सही है, जो कि है ऑफ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट। मूविंग अहेड टू थर्ड क्वेश्चन विच सेज द फ्रॉग जम्प्ड डैश वेल। द फ्रॉग जम्प्ड डैश वेल, इस डैश में कौन सा प्रेपोजिशन यूज होएगा? काफी इजी प्रेपोजिशंस दिए मैंने आप लोग को। The right answer is into. The frog jumped into well. है ना? Well क्या गहरा होता है, right? उसके अंदर कूदा, ठीक है? Into the well. Okay? Coming on to the next question. Kinjal is angry dash her father. Kinjal is angry dash her father. इस particular blank में कौन सा आपके हिसाब से सही preposition fit बैठता है? Kinjal is angry with her father. Extremely correct. Very nice. Keep up the good work. Kinjal is angry with her father. Second question, फिर fifth question क्या आता है हमारा? Beware dash pickpockets. Beware dash pickpockets. इस पे कौन सा सही preposition आएगा? राइट आंसर इज बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, राइट, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दे प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स डैश वॉचिंग मूवीज। दे प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स डैश वॉचिंग मूवीज, इस डैश में कौन सा सही प्रीपोजिशन आएगा? सही आंसर क्या है?
टू दे प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स टू वॉचिंग मूवीज. करेक्ट. मूविंग अहेड, हिज ब्रदर इज अडिक्टेड डैश स्मोकिंग. हिज ब्रदर इज अडिक्टेड डैश स्मोकिंग. इस डैश में कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा आपके हिसाब से? ऑफ, इन टू, विद, टू. His brother is addicted to smoking. Correct. Absolutely correct. Very nice. Moving ahead again, we must abstain dash bad habits. We must abstain dash bad habits. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन से प्रपोजिशन डालेंगे तो बिल्कुल सही सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा? वी मस्ट एब्स्टेन डैश बैड हैबिट्स. करेक्ट. वी मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम. एब्स्टेन माने दूर रहना, है ना? एब्स्टेन मतलब क्या होता है? दूर रहना. वी मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स. करेक्ट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द बस इज डैश टाइम. द बस इज डैश टाइम. इस डैश में, इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा ऐसा प्रपोजिशन सही बैठेगा जो हम लोग को आंसर सही दे, जो सही फॉर्मेशन दे पाए हम लोग को सेंटेंस का? द बस इज डैश टाइम. करेक्ट करेक्ट. द बस इज बिहाइंड टाइम. राइट. एब्सोल्यूटली करेक्ट. द बस इज बिहाइंड टाइम. ग्रेट. कमिंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन विच सेज आई एम गुड डैश केमिस्ट्री. काफी इजी है, काफी इजी रखे मैंने आपके लिए ताकि थोड़ा सा आपका चिल्ड आउट सेशन हो जाए, काफी ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, काफी चिल्ड आउट सेशन हो जाए. राइट. आई एम गुड डैश केमिस्ट्री. जब हम लोग इजी आंसर्स करते हैं ना तो उससे हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है. एंड इवन इफ दी डिफिकल्ट आंसर्स को, हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं हम लोग को, लेकिन वो भी थोड़ा इजीली कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप रहता है ना. तो बीच बीच में ऐसे बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि हम लोग थोड़ा सा मोराल बूस्ट हो जाए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के 2 कदम और आगे बढ़ जाए. राइट. आई एम गुड डैश केमिस्ट्री. करेक्ट. आई एम गुड एट केमिस्ट्री. ठीक है. आई एम गुड एट केमिस्ट्री. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज नॉकिंग डैश द डोर. हु इज नॉकिंग डैश द डोर. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा प्रपोजिशन फिट बैठता है? करेक्ट. हु इज नॉकिंग एट द डोर ए इज अगेन द राइट आंसर. एब्सोल्यूटली करेक्ट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ही हैज टर्न डैश माई रिक्वेस्ट. ही हैज टर्न डैश माई रिक्वेस्ट. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा सही आपके हिसाब से प्रपोजिशन फिट बैठेगा? ही हैज टर्न डैश माई रिक्वेस्ट. So what are your resolutions? So what resolutions did you make this year for your New Year's?
क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने कि आपको क्या करना है इस साल, और क्या चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, क्या सोचा आपने इस साल के बारे में? 2021 शुड बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम 2020, राइट? तो क्या सोचा है आप लोगों ने कि हाउ विल यू मेक दिस पर्टिकुलर ईयर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट हैड बीन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 2020. 2020 वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर ईच वन ऑफ अस, नो डाउट. काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी की फैमिलीज काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, काफ़ी इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी ऑफ अस, राइट? एवरी वन ऑफ अस. सो या यू शुड बी अ लिटिल यू नो मेक चेंजेस, मेक स्मॉल चेंजेस. आई एम नॉट आस्किंग, नोबडी आस्क फॉर बिग चेंजेस. डोंट एक्सपेक्ट बिग आउट ऑफ योर सेल्फ, जस्ट मेक स्मॉल लिटिल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बी अ लिटिल मोर काइंड दिस ईयर, राइट? थोड़ा सा और काइंडनेस दिखाएंगे एनिमल्स के प्रति, ह्यूमंस के प्रति, ठीक है? जस्ट प्लेज टू बी अ लिटिल मोर काइंड दिस ईयर, अ लिटिल मोर काइंड बाय एवरी पासिंग ईयर, राइट? ही हैज टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट. टर्न डाउन माने रिजेक्ट करना. टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट, ठीक है? चलिए मूविंग अहेड. द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक डैश इन 1972. द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक डैश इन 1972. इस ब्लैंक में कौन सा प्रेपोजिशन फिट बैठता है? The right answer is the war between India and Pakistan broke out in 1972. Broke out in 1972. Okay? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि है वी मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर आर रॉन्ग बिहेवियर. वी मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर आर रॉन्ग बिहेवियर. इसके पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा प्रपोजिशन आपके हिसाब से सही बैठेगा? वी मस्ट अपोलोजाइज करेक्ट. वी मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर आर रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज बॉर्न डैश 29 दिसंबर 1985. शी वॉज बॉर्न डैश 29 दिसंबर 1985, ठीक है? इस ब्लैंक स्पेस को भरिए राइट प्रेपोजिशन के साथ. शी वॉज बॉर्न 29 दिसंबर 1985. इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड सही सटीक बैठता है? करेक्ट करेक्ट. शी वॉज बॉर्न ऑन 29 दिसंबर 1985, ठीक है? हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर डेट के बारे में बात कर रहे हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करते हैं तब तो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? चलिए बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ही फेल्ट ग्रीफ डैश द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स फादर. ही
ही फेल्ट ग्रीफ डैश द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स फादर. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में सही प्रपोजिशन कौन सा फिट बैठता है? He felt grief dash the death of his friend's father. He felt grief at the death of his friend's father, right? He felt grief at the death of his friend's father. Moving ahead to next question. Distribute the toffees dash your friends. Distribute the toffees dash your friends. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, friends आ रहे हैं, ठीक है? Means a group. अब बताइए कि सही प्रपोजिशन कौन सा होगा इसमें. डिस्ट्रीब्यूट द ट्रॉफीज डैश टू फ्रेंड्स. आंसर क्या है? अमंग. डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग योर फ्रेंड्स. अमंग कब यूज होता है? जब वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हो तो हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं. बिटवीन क्यों नहीं होगा? बिटवीन तब होता है जब यहाँ पे दो लोग की बात कर रहे होते हैं. अगर हम बोलते डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन यू एंड हिम, तब हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बिटवीन हमेशा दो लोग के बीच में इस्तेमाल होता है. जब चीजें दो लोगों से ज्यादा होती हैं तो हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमेशा दिया रहेगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे बिटवीन फ्रेंड्स भी तो दो ही हो सकते हैं. अगर दो होंगे तो मेंशन होंगे दो लोग, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेरल टुक प्लेस डैश टू ब्रदर्स. अब देखिए यहाँ पे टू इस्तेमाल हो रहा है ना, यहाँ पे टू इस्तेमाल हुआ है. अब इसका आंसर बताइए. द क्वेरल टुक प्लेस डैश टू ब्रदर्स. Between two brothers, extremely correct. बिल्कुल सही जवाब. The quarrel took place between two brothers. Right. Moving ahead, the fox jumped dash the jeep. The fox jumped dash the sheep. इस dash में, इस particular blank में कौन सा preposition fit होता है? The fox jumped dash the sheep. Upon the sheep. The fox jumped upon the sheep. Correct. Moving ahead, your remark is dash the point.
Your remark is dash the point. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा प्रपोजिशन फिट बैठता है? Your remark is to the point. Correct, absolutely correct. चलिए moving ahead to next question. His house is dash fire. काफी इजी प्रपोजिशंस दिए हैं, जस्ट अ चिल्ड आउट सेशन फॉर यू गाइस, ताकि थोड़ा सा आपका स्ट्रेस थोड़ा किनारे हुए, थोड़ा आपका एंथुजियाज्म कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट अप हुए कि हाँ आई कैन स्टिल सॉल्व दीस क्वेश्चंस, राइट. थोड़े से बीच बीच में हम लोग को बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चंस करते रहने चाहिए, ताकि हम लोग का मोराल थोड़ा बूस्ट अप हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्सिंग आपके सेशंस हो जाते हैं व्हेन इट इज नॉट सो हैवी ऑन यू, राइट. दैट्स व्हाई आई ट्राई टू यू नो रिलीज योर प्रेशर, रिलीज योर टेंशंस, जो भी आपकी पढ़ाई की टेंशन होती है, बाय दीज स्मॉल यू नो वेरी इजी टॉपिक्स, वेरी इजी क्वेश्चंस एज वेल. हिज हाउस इज ऑन फायर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. मूविंग अहेड, मनी इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस. मनी इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस. इसमें आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा. मनी इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस, ठीक है, टू विल बी द राइट आंसर. मूविंग अहेड, ही इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट. काफी इजी है, बहुत इजी है. He is not eligible dash this post. Correct. He is not eligible for this post. Right. Moving ahead, they have been watching TV dash half an hour. They have been watching TV dash half an hour. इसमें dash में blank में कौन सा सही word fit बैठता है? सही आंसर क्या होगा इसका? A होगा, for होगा. फॉर हाफ एन आवर हमने डिस्कस किया था. फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है. हाफ एन आवर माने 30 मिनट्स, है ना. तो ये क्या हो गया हमारा? पीरियड ऑफ टाइम हो गया. सिंस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock या फिर मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, एनी डे, ठीक है, वो एक पॉइंट होता है. चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई रिमाइंडेड हिम डैश हिज प्रोमिस. आई रिमाइंडेड हिम डैश हिज प्रोमिस. एंड गाइज, जो लोग नए हो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एज वेल, ताकि मैं जब भी वहाँ क्लास लूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है. एंड प्लीज यूज द कोड गार्गी, GARGEE, टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है. आई रिमाइंडेड हिम डैश हिज प्रोमिस, ऑफ हिज प्रोमिस, करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट. दे आर नॉट इंटरेस्टेड डैश माई स्टोरी. They are not interested dash my story. Correct. They are not interested in my story. Correct. Absolutely correct. Moving ahead, we must abide dash rules of the road. बहुत easy questions है, come on. We must abide dash rules of the road. You always abide dash. क्या सही preposition आएगा इसमें?
वी मस्ट अबाइड बाय रूल्स ऑफ द रोड. करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट. He did not act dash my advice. He did not act dash my advice. On, upon, at, to, क्या आएगा इसमें सही ऑप्शन आपका? He did not act upon my advice. Correct. Upon will be the correct answer. Listen dash what I say. Listen dash what I say. Listen to what I say. You always listen to. ठीक है, listen के साथ हमेशा to का ही प्रयोग होता है, to का ही इस्तेमाल होता है. You always use the preposition to with listen. ठीक है, coming on to the next question. He is always true dash his word. He is always true dash his word. इस particular blank में कौन सा सही preposition fit बैठता है? On, upon, at, to. He is always true. Correct. He is always true to his word. बिल्कुल सही जवाब. Very nice. I guess I'll be ending my session over here only. Thank you so much for joining in. It was a fun session with you guys. A little relaxing, a little chilled out session with you guys. Thank you so much for being so supportive and so interactive throughout this particular session. Please इस कोड का इस्तेमाल करिएगा Unacademy Plus के subscriptions के लिए GARGEE to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions. Please hit the like button and please share this video with your friends as well. Thank you so much for joining in. See you guys tomorrow at the same time.